हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हमारे क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में लैमिनार फ्लो के क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ लैमिनार फ्लो ऑफ अ रियल फ्लूइड आर नोन एज। लैमिनार फ्लो की अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं, वो हमें नेवियर स्टोक्स की इक्वेशन से मिलती है। फ्रेंड्स, नेवियर स्टोक्स की जो इक्वेशन है वो किसी भी इन्फाइनेटिसिमल स्मॉल ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो करके जो इक्वेशन डराइव होती है, सारे फोर्सेस का समेशन, शियर स्ट्रेसेस के कारण जो फोर्सेस डेवलप होते हैं, नॉर्मल फोर्सेस के कारण जो फोर्सेस आपके डेवलप होते हैं, उन सब का समेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को सब इक्वेट करता हूं, तो मेरे को नेवियर स्टोक्स की इक्वेशन मिलती है। ओके, सो नेवियर स्टोक्स की इक्वेशन आप याद रखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको निकालनी है किसी भी लैमिनार फ्लो में, राइट, किसी भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में क्या वेलोसिटी है, क्या लोकस है पार्टिकल का, अगर वो निकालना है तो आपको नेवियर स्टोक्स की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, राइट। हमें पता है बर्नौली की जो इक्वेशन है वो एनर्जी इक्वेशन होती है, यूलर की इक्वेशन जो होती है उसमें प्रेशर की टर्म यूज होती है, राइट। हेजन पॉइज़ली की जो इक्वेशन होती है हेड लॉस निकालती है किसी भी पाइप में फॉर अ लैमिनार फ्लो, तो ये सब इक्वेशन हमें पता है, तो इसका आंसर नेवियर स्टोक्स इक्वेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ टू डायमेंशनल स्टेडी हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म फ्लो द शियर ग्रेडियंट इन द नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू। फ्रेंड्स, जब भी हम फ्लो की बात करते हैं इन पाइप्स या फिर बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, तो हम एक बहुत नेवियर स्टोक्स की इक्वेशन से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है, जिससे हम वेलोसिटी का जो डेरिवेशन करते हैं, हम आइदर इट इज इन लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, हम लोग वो इक्वेशन यूज करते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ी होगी, इट इज डेल पी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टॉ बाय डेल वाई, राइट। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन का हम यूज भी करते हैं वेलोसिटी की डेरिवेशन में, राइट। इस टॉ की जगह आप यूज करते हैं लैमिनार फ्लो में म्यू डी वी बाय डी वाई, इस चीज को यूज करते हैं तो आप डेराइव कर पाते हैं आप यहां से यू की वैल्यू, राइट। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू कैन फाइंड द वेरिएशन ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू वाई। इसी चीज को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो में भी यूज करते हैं, टर्बुलेंट फ्लो में ये बस न्यू डीवी बाय डीवाई नहीं रह जाता, इसके साथ कुछ टर्म ऐड भी होती है, जो मोमेंटम ट्रांसफर के कारण जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं वो ऐड होती है, उसकी बात मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, वो हम टर्बुलेंट फ्लो के क्वेश्चन आंसर सीरीज में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिए कि जो डेल पी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टॉ बाय डेल वाई, ये आपका नेवियर स्टोक्स इक्वेशन से डेराइव होके आता है। तो यहां पे आप देखिए जो शियर का वेरिएशन है इन द नॉर्मल डायरेक्शन, वो प्रेशर का जो वेरिएशन है इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन उस पर वेरी करता है, राइट। डेल्टा बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल एक्स, तो ये इंपॉर्टेंट बात, इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो शियर का ग्रेडियंट है इन द नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू द प्रेशर ग्रेडियंट इन नॉर्मल डायरेक्शन, नहीं द प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो डेल पी बाय डेल एक्स। ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन था, इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जनरली, इसको देखते ही आप लोगों को सॉल्व होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑयल ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.25 स्ट्रोक्स फ्लोस थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, द फ्लो इज क्रिटिकल एट अ वेलोसिटी ऑफ। क्रिटिकल फ्लो जब मैं बोलता हूं वो स्टेट होता है जब फ्लो अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है लैमिनार टू टर्बुलेंट, राइट। तो फ्लो जब लैमिनार से टर्बुलेंट में जा रहा होता है तो उस पॉइंट को, उस स्टेट को मैं क्रिटिकल फ्लो बोलता हूं, राइट। ओके, सो जब लैमिनार से टर्बुलेंट जाता है, हमें पता है किसी भी पाइप में तो रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू होती है वो 2000 होती है, तो यहां पे वेलोसिटी पूछ दिया तो हम रेनॉल्ड्स नंबर को 2000 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है, रेनॉल्ड्स नंबर की अगर मैं बात करूं, इट इज वी डी बाय न्यू, न्यू क्या है यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वी इज द वेलोसिटी एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, राइट। इसको मैं 2000 से इक्वेट कर देता हूँ, वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग को निकालनी है, डायमीटर गिवन इट इज 10 सेंटीमीटर और 0.25, तो यहाँ पे जो आपको वेलोसिटी मिलेगी फ्रेंड्स वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे आप वैल्यू मिलेगी 2000 × 0.25 / 10 इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में मिलेगी। आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, ये इट इज 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर पर सेकंड। ओके,
यहाँ पे इसका आंसर 0.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ एन ऑयल इन अ पाइप इन अ लैमिनार रेजिम द शियर स्ट्रेस इज, तो शियर स्ट्रेस की बात बोल रहा है स्टेडी लैमिनार फ्लो में किसी पाइप में। तो फ्रेंड्स हमें पता है जो शियर स्ट्रेस है वो कैसे वेरी करता है, वो ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। आप लोग को पता है कि किसी भी विस्कस फ्लो में टॉर्क की वैल्यू में म्यू डीवी अपॉन डीवाई बोलता हूं, राइट। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स अगर मैं लैमिनार फ्लो में वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, सपोज दिस इज अ पाइप, तो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होता है, ये आप लोग को पता है, क्योंकि वेलोसिटी की अगर मैं इक्वेशन लिखूं किसी पाइप में तो इट इज 1/4 μ माइनस डेल पी बाय डेल एक्स आर स्क्वायर 1 - r/r² तो यहां पे देखिए जो r की वैल्यू ये सेंटर से नापी जाती है एट ए डिस्टेंस ऑफ r, तो ये देखिए ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, राइट। तो ये पैराबोलिकली वेरी करता है, ठीक है। यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाती है जब r इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू आप कैपिटल r रखेंगे तो इसकी वैल्यू देखेंगे आप जीरो हो जाएगी, राइट। तो यहां पे जो शियर स्ट्रेस है वो इसका डिफरेंशियल से प्रोपोर्शनल है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक लीनियर वेरिएशन आएगा, तो टॉ जो है वो लीनियरली वेरी करेगा, ओके। और हमें यह भी पता है कि जो टॉ की वैल्यू है वो बाउंड्री में मैक्सिमम होती है, तो अगर मैं टॉ का प्लॉट करूं पता चल गया कि ये लीनियरली वेरी कर रहा है और बाउंड्री पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होने वाली है, तो यहां पे ये कुछ इस तरह से मैक्सिमम इस तरह से कुछ प्लॉट होता है टॉ का, राइट। क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है ड्यू टू द पाइप मटेरियल, पाइप मटेरियल और जो आपका फ्लो है उनके बीच में कॉन्टैक्ट के कारण यहाँ पे वेलोसिटी नेट वेलोसिटी जीरो होती है और शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, ओके। तो यहाँ पे सेंटर में आप देखिए शियर स्ट्रेस मिनिमम होगा जिसकी वैल्यू जीरो अप्रोच करेगी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता चलेगा आर इक्वल टू जीरो आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो टॉ की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो आपको पता चलेगा ये लीनियरली वेरी कर रहा है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम एट द कॉर्नर्स एट द एंड्स है और मिनिमम एट द सेंटर है, ओके। तो कांस्टेंट अक्रॉस द पाइप नहीं, मैक्सिमम एट द सेंटर नहीं, मिनिमम एट द सेंटर होता है, जीरो एट द बाउंड्री एंड इंक्रीजेस लीनियरली टुवर्ड द सेंटर नहीं, शियर स्ट्रेस ऐसा वेरी नहीं करता, जीरो एट द सेंटर एंड इंक्रीजेस लीनियरली टुवर्ड द बाउंड्री, यही मैंने आपको बताया यहां पे अभी, जीरो एट द सेंटर एंड इंक्रीजेस लीनियरली टू द बाउंड्री और एंड्स, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेशर ड्रॉप इन एन 8 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल पाइप इज 75 kPa, तो जो प्रेशर ड्रॉप है किसी भी 8 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल पाइप में वो 75 kPa है इन अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, ठीक है। इस टाइप का अगर पाइप है ये 15 मीटर की लेंथ में बोल रखा है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ओके। 75 kPa डेल्टा पी हो गया, राइट, डेल्टा पी इज इक्वल टू 75 kPa, ये ड्रॉप हुआ है तो इसको मैं माइनस डेल्टा पी इज इक्वल टू 75 kPa लिखता हूं, ओके। सो यहां पे द शियर स्ट्रेस एट द पाइप वॉल पे शियर स्ट्रेस पूछ रहा है, तो शियर स्ट्रेस और यहां पे जो प्रेशर ड्रॉप है इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेशन होता होगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर मैं प्रेशर ड्रॉप की इक्वेशन देखूं, यहां पे प्रेशर ड्रॉप किस पे डिपेंड करता है, तो मैं अगर उसकी बात करूं तो फ्रेंड्स पाइप फ्लो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का यूज करते हैं जो आपको पता होगा। अगर मैं ये इन्फाइनिटिसिमल स्मॉल एलिमेंट लूं जिसकी लेंथ अगर मैं मानूं dx, राइट, इस लेंथ को अगर मैं dx एज्यूम करूं, तो फ्रेंड्स इस पे यहां पे अगर प्रेशर p1 लग रहा है और यहां पे अगर प्रेशर p2 लग रहा है, राइट, तो इस एलिमेंट पे नॉर्मल फोर्सेस के कारण नेट फोर्स किधर होगा, अगर मैं फोर्स ड्यू टू प्रेशर के कारण निकालूं तो इट इज p1 इनटू इसका रेडियस आप मान लीजिए आर रेडियस का है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस p2 इनटू पाई आर स्क्वायर, राइट। डेफिनेटली अगर जैसे जैसे हम फ्लो की डायरेक्शन में मूव करेंगे, फ्लो ऐसे हो रहा है तो प्रेशर रिड्यूस होता है, ओके। तो इट इज p1 माइनस p2 पाई आर स्क्वायर, p1 माइनस p2 को मैं माइनस डेल्टा पी लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा पी पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए इसकी वैल्यू आपको गिवन है, तो ये फोर्स ड्यू टू द प्रेशर निकाला। अब इस एलिमेंट को ये जो फोर्स नेट फोर्स इसको राइट साइड टुवर्ड्स राइट लग रहा है, इसको बैलेंस कहां से होता है, बैलेंस यहां से होता है इस शियर से, यहां पे इसके शियर लगता है, ठीक है। तो अगर मैं शियर के कारण फोर्स बोलूं, फोर्स ड्यू टू शियर टॉ, उसकी मैं बात करूं तो इट इज टॉ
मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई इंटू स्मॉल आर। ये रेडियस अगर मैं स्मॉल आर मानूं, ये स्मॉल आर है, आप इसको स्मॉल आर कर दीजिए क्योंकि कैपिटल आर तो पाइप की रेडियस हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप इसको स्मॉल आर करिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे टॉ इंटू 2 पाई आर इंटू, अगर मैं इसका लेंथ डीएक्स की बात करूं तो डीएक्स लेंथ में, तो इस एरिया में ये फोर्स लग रहा है, ये स्ट्रेस लग रहा है, तो नेट फोर्स ये एफ टॉ हो जाएगा। ओके, सो इसकी वैल्यू अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, राइट, ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, माइनस डेल पी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टॉ 2 पाई आर डीएक्स। ओके, तो यहां पे इसकी वैल्यू जब मैं निकालूं तो ये कुछ ऐसी आ जाती है इक्वेशन, कि डेल पी ओवर वेरिएशन ओवर डिस्टेंस डीएक्स, इसको आप डीपी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डीएक्स बहुत छोटा एलिमेंट है, तो माइनस डेल पी बाय डेल एक्स आर बाय 2 इज इक्वल्स टू टॉ। तो ये इक्वेशन पाइप फ्लो में निकल के आती है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉ इज इक्वल्स टू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर बाय 2। अब ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन का हमें यहां पे यूज करना है क्योंकि हमें प्रेशर ड्रॉप दे रखा है इन अ लेंथ एल, और ये डेल पी बाय डेल एक्स हम एज्यूम करके चलते हैं पाइप फ्लो में कॉन्स्टेंट रहता है। ओके, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस डेल पी बाय डेल्टा एल, राइट, और आर बाय 2 क्योंकि हमें बाउंड्री पे निकालना है शियर स्ट्रेस, तो इसकी वैल्यू हम कैपिटल आर रेडियस ऑफ द पाइप के बराबर कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर बाय 2 और यहां से आपको शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। ओके, तो इसमें यही इक्वेशन यूज होने वाली है, माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा एल आर बाय 2 इज इक्वल्स टू टॉ। ओके, तो यहां पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, इट इज 75 इंटू 10 रिस्ट पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय ओवर द लेंथ आपको दे रखा है 15 मीटर, राइट, माइनस डेल्टा पी की वैल्यू 75 थी ना, वही सब्स्टिट्यूट किया मैंने, आर बाय 2, आर बाय 2 की वैल्यू इसको अगर आप मीटर में रखते हैं, जब आप इसको मीटर में रखेंगे तो ये 8/100 मीटर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आर है और ये डायमीटर हमने एज्यूम किया था, तो इसको मैं डिवाइड बाय 2 भी कर देता हूँ। ओके, सो ये आंसर हो जाएगा आपका, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 टाइम्स और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 टाइम, राइट, और यहां से ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 200 पास्कल। ठीक है, तो इसको आप 0.2 केपीए भी लिख सकते हैं, और आंसर आपका केपीए में ही पूछा हुआ है, तो आपका आंसर 0.2 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप इस क्वेश्चन में हम सीखने की बात जो थी, तो आपको ये इक्वेशन ध्यान होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर एफ दैट कैन अकर इन अ लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप इज। ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर की मिनिमम वैल्यू, फ्रेंड्स आपको पता होगा जब मैं हेजन पॉइज़ली इक्वेशन और डार्सी वेबैक इक्वेशन को मैं लिखता हूं, हेड लॉस इज इक्वल्स टू एफ एल वी स्क्वायर बाय 2 GD। ठीक है, और हेजन पॉइज़ली इक्वेशन जो आती है वो हेड लॉस आती है 32 म्यू वी एल बाय गामा डी स्क्वायर। जब आप ये दोनों को इक्वेट करते हैं, राइट, ये हेड लॉस को, ये हेजन पॉइज़ली है और ये डार्सी वेबैक, इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो आपके पास एफ की वैल्यू, आप लोगों को पता होगा 64 बाय आर ही आती है। ध्यान रखिए, फ्रिक्शन फैक्टर इज फॉर लैमिनार फ्लो एंड इन पाइप, इसके लिए फ्रिक्शन फैक्टर आप रिपोर्ट करते हैं 64 बाय आर। अब हमें एफ की मिनिमम वैल्यू चाहिए क्योंकि यहां पे लैमिनार फ्लो भी बोला हुआ है और सर्कुलर पाइप भी बोला हुआ है, तो एफ की मिनिमम वैल्यू के लिए हमें रेनॉल्ड्स नंबर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो रेनॉल्ड्स नंबर की मैक्सिमम वैल्यू फ्लो लैमिनार रहे इसके लिए क्या हो सकती है, इट इज 2000। ओके, क्योंकि 2000 से ऊपर हम बोलते हैं फ्लो लैमिनार नहीं रहता, तो आप यहां पे वैल्यू 2000 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 64 अपॉन 2000, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.03। तो आप देखिए, एफ की मिनिमम वैल्यू इन ए सर्कुलर पाइप और अ लैमिनार फ्लो इज 0.03, ये यहां पे आप वैल्यू आ जाएगी, राइट। इस टाइप के अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, क्वेश्चंस में अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो क्वेश्चंस में आप अटकेंगे नहीं, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रीपिंग मोशन ओबेज स्टोक्स लॉ अप टू क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। अब क्रीपिंग मोशन, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता क्रीपिंग मोशन होता क्या है। ठीक है, क्रीपिंग मोशन के बारे में फ्रेंड्स अगर मैं आपको डिफाइन करूं, तो क्रीपिंग मोशन इज अ मोशन
ऑफ अ वेरी स्लो और वेरी लेस डिस्टर्बेंस ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स, राइट। तो क्रीपिंग मोशन की अगर मैं बात करूं तो वेरी इनफाइनाइट लार्ज स्पेस में अगर आपका कोई स्फीयर फॉल करता है, बहुत छोटा स्फीयर, तो उस टाइप के मोशन को जो लिक्विड में जिस टाइप का मोशन डेवलप होंगे, फोर्सेस डेवलप होंगे, इस मोशन को हम क्रीपिंग मोशन बोलते हैं। तो क्रीपिंग मोशन के लिए स्टोक्स इक्वेशन भी यूज होती है, स्टोक्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर क्रीपिंग मोशन, जिसमें आप हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन वन, और वहां पे हम लोगों ने विस्कस फोर्स भी बोला जाता है, फोर्स ड्यू टू द विस्कस इज 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है, ये बोला जाता है। यहां पे ये ईटा इज नथिंग बट म्यू विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड वी इज द वेलोसिटी। सो द मोशन इन विच द डिस्टर्बेंस इन द लिक्विड इज वेरी लेस एंड द मोशन इज एक्सपेंडेड वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द पार्टिकल विच इज फ्लोइंग इन द मोशन, तो उस मोशन को हम क्रीपिंग मोशन बोलते हैं। क्रीपिंग मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस और इक्वल टू वन, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू एक या एक से छोटी होती है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्रीपिंग मोशन की, ओके। तो यहां पे अगर रेनॉल्ड्स नंबर पूछा हुआ है इस चीज का, तो आप देख सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ काउट फ्लो विथ जीरो प्रेशर ग्रेडियंट द शियर स्ट्रेस टर्न आउट एट द बाउंड्री इज गिवन बाय, तो शियर स्ट्रेस क्या होता है और काउट फ्लो क्या होता है पहले हम लोग ये समझते हैं, और काउट फ्लो में शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये तो आपको पता ही होगा, वेलोसिटी के ग्रेडियंट से अगर आप डायनामिक विस्कोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो शियर स्ट्रेस आ जाता है। लेकिन काउट फ्लो समझना जरूरी है कि काउट फ्लो बोला किसको जाता है, ओके। देखते हैं काउट फ्लो के बारे में। तो फ्रेंड्स काउट फ्लो एक्चुअली द फ्लो बिटवीन द टू सरफेस, राइट, टू पैरेलल सरफेस हो रहा है और ऊपर में आपका सरफेस भी मूव करने लग जाता है विद अ वेलोसिटी ऑफ, यहां पे मैं कैपिटल यू से बोल रहा हूँ, राइट, सरफेस भी मूव कर रहा है, राइट। फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स में हम लोगों ने देखा था कि दो प्लेट्स रेस्ट में थी, ठीक है, और इसके बीच में फ्लो होती थी वेलोसिटी, इसके बीच में अगर आप यहां पे लिक्विड फ्लो होगा तो यहां पे पैराबोलिक वेरिएशन होता था लिक्विड का फ्लो का, राइट। पर काउट्स फ्लो में ये पैराबोलिक वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाली जो सरफेस है वो इटसेल्फ यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, राइट। तो यहां पे हम इस चीज को सुपरपोजिशन से यूज करते हैं, हम सपोज सरफेस लेते हैं जो रेस्ट पे है, तो इस सरफेस के कारण यहां पे पैराबोलिक वेरिएशन मानते हैं, प्लस इसके साथ हम ऐड करते हैं ये सरफेस तो रेस्ट पे रहती है लेकिन ये सरफेस यू वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, तो इसके कारण हम बिहेवियर एज्यूम करते हैं लीनियर बिहेवियर होगा वेलोसिटी, ठीक है। तो इस टाइप की दो बिहेवियर से हम लोग काउट्स फ्लो की बिहेवियर को सिमुलेट करते हैं, ओके। तो यहां पे इस काउट्स फ्लो की इसके कारण जो बिहेवियर है उसकी मैं इक्वेशन लिखता हूं, इट इज 1/2 म्यू, राइट, 1/2 म्यू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू बी वाई माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे अगर बी इनके बीच का सेपरेशन है, राइट, प्लस इसके कारण अगर मैं वेलोसिटी का बिहेवियर लिखता हूं तो यहां पे ये हो जाएगा u अपॉन b, राइट, ये ग्रेडियंट हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय y, y ऐसे नापा जाता है यहां से बॉटम सरफेस से, ओके। सो ये नेट वेरिएशन होता है वेलोसिटी का। अब हमें अगर शियर स्ट्रेस निकालना है तो फ्रेंड शियर स्ट्रेस मुझे पता है इट इज म्यू डीवी बाय डीवाई, तो यहां पे म्यू मल्टीप्लाई करूंगा और डीवी बाय डीवाई जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखिए क्या क्रम बनेगी, इट इज 1/2 म्यू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू बी माइनस टू आई प्लस यू बाय बी, राइट, ये टर्म बनेगी आपकी शियर स्ट्रेस की, ओके। तो यहां पे आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है प्रेशर ग्रेडियंट इज जीरो, आउटफ्लो विद जीरो प्रेशर ग्रेडियंट, तो अगर प्रेशर ग्रेडियंट जीरो है तो ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी म्यू यू बाय बी, राइट। फ्रेंड्स मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए वो काफी थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि ये कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, हायर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं लेकिन थोड़े ट्रिकी हैं, राइट, आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपके कंसेप्ट साउंड है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ओके। तो यहां पे इसका आंसर म्यू यू बाय बी हो जाएगा।
18th क्वेश्चन का अब आंसर हम लोग देखिए तो म्यू यू बाय बी, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द लैमिनार फ्लो ऑफ लिक्विड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन द सर्फेस वेलोसिटी इज फाउंड टू बी 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन सेंटीमीटर पर सेकेंड इज। फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जब फ्री सर्फेस का फ्लो होता है किसी भी लिक्विड में तो फ्रेंड्स जो वेरिएशन होता है वेलोसिटी का वो कैसा होता है हम लोग देखते हैं। हमें ये पता है लैमिनार फ्लो में पैराबोलिक वेरिएशन होता है, राइट। अगर दो सरफेस के बीच में फ्लो हो रहा है तो हमें पता होता है ये वेरिएशन कुछ ऐसा चला जाता है, सिमेट्रिक होता है अबाउट द सेंटर। बट अगर फ्री सरफेस ऊपर यहां पे इस टाइप की सरफेस नहीं है और फ्री सरफेस है, राइट, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज एट द टॉप ऑफ द सरफेस, ठीक है। टॉप सरफेस में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ये बात इसमें समझने की है फ्री सरफेस वाले क्वेश्चन में। जबकि काउट्स फ्लो में ऐसा नहीं होता, क्योंकि काउट्स फ्लो में ऊपर जो है रिस्ट्रेंड है किसी सर्टेन वेलोसिटी यू से मूव करता हुआ, राइट। तो आप काउट्स फ्लो में नहीं बोलेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो ऊपर वाले पार्ट में होती है, इट इज समथिंग, ऐसा कुछ बिहेवियर होता है इसका। तो इसे कहीं यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी इस चीज की होती है, राइट, अबव द मिड सर्फेस, मिड डेप्थ से अबव कहीं पे होती है, बट इट इज नॉट एट द दिस पॉइंट, इस पॉइंट में तो वेलोसिटी आपकी कुछ यू ही रहेगी, ओके। ये यू यहां तक यू से ऐसे वेरी करता है, राइट, ये डिस्टेंस यू की रहती है। तो ये काउट्स फ्लो में होता है, लेकिन जब फ्री सरफेस फ्लो होता है तो फ्री सरफेस फ्लो में मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी टॉप मोस्ट लेयर की जो होती है, राइट। तो यहां पर इसकी वैल्यू आपको 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी हुई। अब एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी फ्रेंड्स कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता होगा। मैं एक्चुअली वॉल्यूम फ्लो रेट क्यू निकालता हूं और क्यू डिवाइड बाय टोटल एरिया कर देता हूं तो मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल जाता है, राइट। तो ये बेसिक इक्वेशन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो यहां पे अगर मैं वी एवरेज की बात करूं या फिर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, इट इज वी डी, राइट। किसी भी वाई डिस्टेंस पे मैं एक इन्फाइनिटिसिमल स्मॉल एलिमेंट डी वाई लूंगा जिसकी इनसाइड द प्लेन डेप्थ यूनिट मान के चलता हूं, क्योंकि नॉर्मली आपकी इस टाइप के पैरेलल प्लेट्स फ्लो में डेप्थ गिवन नहीं होती, तो यूनिट डेप्थ मान के सकता हूं। तो डी ए की वैल्यू डी वाई इंटू वन हो जाएगी, ओके। तो डी वाई लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं इंटीग्रल ऑफ वी डी वाई करूंगा क्यू की वैल्यू, और इसको डिवाइड बाय जब मैं ए कर दूंगा टोटल एरिया विच इज नथिंग बट बी इंटू वन, तो ये मेरे को वी एवरेज मिल जाएगा। यही चीज कैलकुलेट करने बोल रहा है इसमें इक्वेशन, ठीक है। तो अब मैं यहां पे v कैसे निकालूं, तो मैं फ्रेंड्स आपको दो इंपॉर्टेंट बात बोला कि जो वेरिएशन है वो पैराबोलिक होगा और मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर में होगी, तो इसको सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी टॉप डेप्थ में होगी, तो मैं यहां पे वेलोसिटी का जो वेरिएशन है वो ए वाई स्क्वायर एज्यूम कर सकता हूं, पैराबोलिक वेरिएशन विद अ डेप्थ ऑफ y, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ा जाते जाएंगे ये वैल्यू बढ़ते जाएगी, ओके। ये वेरिएशन एज्यूम कर सकता हूं, मुझे टॉप मोस्ट फाइबर की जो वेलोसिटी है टॉप मोस्ट सरफेस की वो 30 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है, तो v की वैल्यू मैं a इंटू 30 स्क्वायर, ये वैल्यू आपको गिवन इट इज a 900, राइट। सॉरी यहां पे जो डेप्थ में मान के चल रहा हूं वो b मान के चल रहा हूं जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो y की वैल्यू जब आप b रखेंगे तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 30 गिवन है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, राइट, ए बी स्क्वायर इज 30। तब आपको यहां से इक्वेशन निकालनी है, मैं यहां पे ए वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं वेलोसिटी इंटू डी वाई इंटीग्रल ऑफ ए, ओके। दिस ए इज द टोटल सरफेस एरिया, इस ए और इस ए से कंफ्यूज ना हो इसको मैं बी इंटू वन ही लिख देता हूं, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, राइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसकी वैल्यू बी इंटू वन है, इसको यहां पे b इंटू वन लिख देता हूं। अब मैं जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये a वाई क्यूब बाय 3 इंटू बी इंटू वन आ जाएगा, ठीक है। और इसको मेरे को लिमिट रखनी होगी y इज इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू b, राइट। तो ये a b क्यूब बाय 3 इंटू बी इंटू वन आ जाएगा, बट इज a b स्क्वायर बाय 3। अब आप a b स्क्वायर की वैल्यू हमें यहां पे 30 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है, राइट। तो यहां पे 30 सेंटीमीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 3, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड,
तो बहुत ही प्यारा कंसेप्चुअल सवाल है आपको, बस दो अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंट है कि जो वेरिएशन है वेलोसिटी का वो पैराबोलिक होगा और मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो टॉप सरफेस की होगी, ठीक है। काउच फ्लो में ऐसा नहीं होता है और पैरेलल प्लेट फ्लो में भी ऐसा नहीं होता है। पैरेलल प्लेट फ्लो में भी मिड डेप्थ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, लेकिन फ्री सरफेस फ्लो में ऐसा नहीं होता। तो आप वेलोसिटी वेरिएशन पैराबोलिक ए वाई स्क्वायर रिज्यूम कर लीजिए, क्यू निकाल लीजिए, डिवाइड बाय टोटल एरिया विच इज बी इन टू वन क्रॉस सेक्शनल एरिया से करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ही आसान और ट्रिकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, ओके। तो यहां पे इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन अ लैमिनार फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स द शियर स्ट्रेस इज, तो फ्रेंड्स ये मैंने अभी आपको ऊपर बता भी रखा है, जो पैरेलल प्लेट्स में शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है, समझते हैं इस चीज को। ये दो फिक्स पैरेलल प्लेट है, इसमें मैंने आपको बताया जो वेलोसिटी का वेरिएशन होता है वो पैराबोलिकली होता है, ओके। उसकी इक्वेशन भी आप देखते हैं, 1/2μ - ∂P/∂x इंटू बी वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई ऐसे वेरी करता है और बी जो है ये डेप्थ होती है, ओके, टोटल डेप्थ या फिर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बोल सकते हैं, राइट। तो ये वैसे वेरिएशन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं पैराबोलिक बिहेवियर है यू का, ठीक है। और हम जो टॉ कैलकुलेट करते हैं इट इज म्यू डी यू बाय डी वाई, ओके। तो इसको जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इट इज म्यू इंटू 1/2μ - ∂P/∂x, ये कॉन्स्टेंट होता है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द पाइप या फिर लेंथ ऑफ द पैरेलल प्लेट्स इंटू बी माइनस टू वाई, ठीक है। ये इस टाइप का आप देखेंगे लीनियर बिहेवियर होता है शियर स्ट्रेस का। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉन्स्टेंट अक्रॉस द पैसेज नहीं, मैक्सिमम एट द सेंटर एंड जीरो एट द बाउंड्री नहीं। यहां पे आप देखेंगे जब वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी बाउंड्रीज पे, और वाई की वैल्यू जब आप बी रखेंगे मतलब यहां पे वाई की वैल्यू रखेंगे तो माइनस भी मिल जाएगी, राइट। तो सिमिलर वैल्यू मिलेगी आपको बाउंड्रीज पे, तो ये कुछ ऐसा बिहेवियर होता है। और जब वाई की वैल्यू बी बाय टू रखेंगे मतलब सेंटर में रखेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, सेंटर में वैल्यू जीरो होती है और यहां पे वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसा बिहेवियर होता है शियर स्ट्रेस का। तो जीरो ऑल थ्रू द पैसेज, मैक्सिमम एट द बाउंड्री एंड जीरो एट द सेंटर, दिस इज आवर आंसर, ओके। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, नो नीड टू वरी ऑन दैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा फॉर अ लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप। तो फ्रेंड्स मैंने आपको फ्लूइड डायनेमिक्स में भी मोमेंटम करेक्शन फैक्टर और काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर और काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या होता है। मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन की सीरीज में भी आपको ये बताया हुआ है कि डेप्थ में एक्सप्लेन किया हुआ है कि बीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इट इज इंटीग्रल में वी डी ए वी स्क्वायर डी ए डिवाइडेड बाय ए इंटू वी एवरेज का स्क्वायर। अब ये कैसे आता है ये चीज को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है वो एक्चुअल मोमेंटम ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड डिवाइडेड बाय मोमेंटम कैलकुलेटेड बाय एवरेज वेलोसिटी, इससे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। एक्चुअल मोमेंटम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय मोमेंटम कैलकुलेटेड बाय एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्चुअल मोमेंटम जो हम लोग कैलकुलेट करना होता है, फ्रेंड्स अगर ये पाइप है इसका मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूं तो मेरे को ऐसा कुछ सर्कुलर व्यू मिलेगा, राइट। तो अगर मुझे मोमेंटम कैलकुलेट करना है, जैसे जैसे आप देखेंगे वेलोसिटी वेरी हो रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, आर बढ़ाते जाएंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें पता है, वेलोसिटी इज वेरिंग एज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। तो यहां पे r डिस्टेंस पे आपको जो अगर आपको मोमेंटम लिखना है ऑफ दिस स्मॉल फ्लोइंग फ्लूइड तो क्या लिखेंगे आप देखिए, इट इज अगर मैं dm मोमेंटम की बात करूं एट ए डिस्टेंस ऑफ r तो इट इज v यहां पे वेलोसिटी फ्लो हो रही होगी मल्टीप्लाइड बाय da, da की वैल्यू क्या होगी, ये da की वैल्यू इट इज 2πr इंटू dr, राइट। तो v इंटू da तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट बन जाएगा, राइट। इससे आप रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मास फ्लो रेट आ जाएगा, इससे आप वी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय वी। आप ये देखिए एम वी बाय टी की टर्म्स बनेगी,
राइट। तो फ्लोइंग फ्लूइड में जब भी हम किसी भी टर्म की बात करते हैं वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, राइट। तो यहाँ पे मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपने कैलकुलेट किया, एम वी डिवाइडेड बाय टी, राइट। तो इस तरह से एक्चुअल मोमेंटम कैलकुलेट होता है। इस चीज को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी रो इंटीग्रल में वी स्क्वायर डी, ठीक है। तो ये डीएम की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी ये इंटीग्रल ऑफ डीएम की वैल्यू हो जाएगी। और अब जब एवरेज वेलोसिटी से कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंटम बाय एवरेज वेलोसिटी, उसको आप लिख सकते हैं रो वी एवरेज का स्क्वायर इनटू एरिया, राइट। तो इस चीज को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास बीटा आता है और इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल में वी स्क्वायर डी ए बाय ए वी एवरेज का स्क्वायर। ये तो फ्रेंड्स बात थी डेरिवेशन ऑफ मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर ऐसा लिखा जाता है तो क्यों लिखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप के लिए हम लोगों को जब मोमेंटम करेक्शन फैक्टर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। हमें पता है वी एवरेज क्या होता है लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स, और वी स्क्वायर डी ए भी हमें पता होता है, राइट। तो उस चीज को हम कैलकुलेट करके देखते हैं। बढ़िया सवाल है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे v जो मैं कैलकुलेट करूंगा लैमिनार फ्लो में पाइप में, वो हमें पता है v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 म्यू p बाय डेल x, ये आप लोगों को पता है। तो ये v की वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स यहां पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, v इज इक्वल्स टू v मैक्स इंटू 1 माइनस r बाय r का होल स्क्वायर, राइट। v मैक्स की वैल्यू आप लोगों को पता होती है, ये होती है 1 बाय 4 म्यू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये वी मैक्स की वैल्यू होती है। अब यहां पे अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा वी मैक्स को वी मैक्स इंटू 1 माइनस आर बाय आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डीए की वैल्यू, डीए की वैल्यू क्या होती है, इट इज 2 पाई आर डी आर, इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से r तक और नीचे मेरा आ जाएगा इट इज पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया मल्टीप्लाइड बाय वी एवरेज का स्क्वायर, वी एवरेज का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आपको पाइप फ्लो में पता होगा अगर मैं वी एवरेज जब कैलकुलेट करता हूं इट इज वी मैक्स बाय 2, तो इसको मैं वी मैक्स बाय 2 का स्क्वायर लिख देता हूं। अब ये चीज मेरे को कैलकुलेट कर रही है, इट इज 0 से r वी एम, वी मैक्स को वी एम लिख देता हूं, 1 माइनस r by r square to 2 pi r dr divided by pi r square vm square और इसका by 2 जो है वो 4, ठीक है। ये बीटा की वैल्यू हो जाएगी, राइट। मैं अभी ये वाली ऊपर वाली टर्म को लेके चलता हूं, इस टर्म की अगर मैं बात करूं, इस टर्म को मैं s बोल दूं तो s की वैल्यू निकालता हूं पहले मैं, फिर वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू vm बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा इंटीग्रल में 0 से r 1 माइनस r स्क्वायर बाय r स्क्वायर इंटू r dr, ठीक है। तो आप इस टर्म को, इस पूरे टर्म को अगर आप t एज्यूम करें तो देखिए dt क्या हो जाएगा, dt की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस 2r बाय r स्क्वायर dr, राइट। तो इस पूरी टर्म को मेरे को dt बनाने के लिए, ये dt की वैल्यू आ जाएगी, इस पूरी टर्म को मेरे को dt बनाने के लिए मैं यहां पे ये सब वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। देखिए मैं किस टाइप से इंटीग्रेट कर रहा हूं इसको, ये मेरे पास dt आ गया, राइट। तो इसको मैं vm 2 पाई इंटीग्रल 0 से r 1 माइनस r स्क्वायर बाय r स्क्वायर माइनस 2r बाय r स्क्वायर dr ये लिख दिया, ताकि ये पूरी टर्म मैं dt बना सकूं और मेरा इंटीग्रेशन जो है वो आसानी से हो जाए, ठीक है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे माइनस टू बाय आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को यहाँ पे माइनस टू बाय आर स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा टू बैलेंस दिस टर्म, ओके। तो यहाँ पे देखिए टी डी टी का सिंपल इंटीग्रल हो गया है, राइट। यहाँ पे इस चीज का आई थिंक स्क्वायर था, ओके, जो मैंने मिस कर दिया है, राइट। तो बीटा की वैल्यू वी स्क्वायर डी ए थी, सो बीटा की वैल्यू वी स्क्वायर डी ए थी, मैंने वी डी ए रख दिया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे स्क्वायर मिस कर दिया था, राइट। तो ये स्क्वायर हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये स्क्वायर जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर देता हूँ और ये वी एम स्क्वायर हो जाएगा, राइट, दिस इज वी एम स्क्वायर, ओके। यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रल क्या कन्वर्ट हो जाएगा,
अब मेरी लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी जब मैंने यहाँ पे टी को 1 - r² / R² रखा है, तो टी की वैल्यू क्या, यहाँ पे लिमिट्स क्या हो जाएगी, लिमिट जो थी ये आर की थी, तो टी की लिमिट्स क्या आ जाएगी, जब आर इक्वल टू जीरो रखेंगे तो टी इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to t इज इक्वल टू, जब r इज इक्वल टू कैपिटल R रखेंगे तो 0, राइट। तो t की वैल्यू जो आप देखेंगे यहाँ पे 1 से 0 वेरी करेगी, तो आप यहाँ पे इस चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इट इज आर स्क्वायर वी एम स्क्वायर 2π / -2 इंटीग्रल में 1 to 0 t² dt, राइट। अब आप देखिए हमारा इंटीग्रल बहुत आसान हो गया, इसको आप t³/3 लिख सकते हैं, ओके। तो t³/3 जब 0 से 1 आप इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज -1/3, अब मल्टीप्लाई में ये टर्म आ जाएगी, इट इज आर स्क्वायर वी एम स्क्वायर 2π / -2। तो ये आपके पास s की वैल्यू निकल के आएगी, राइट। इस s की वैल्यू को आप यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो मैंने ये टर्म आपको s एज्यूम करी थी, ये टर्म को मैंने s बोला था, तो इस वैल्यू को अगर आप यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे 4 * जो हमारे s की वैल्यू आई है आर स्क्वायर वी एम स्क्वायर 2π, माइनस माइनस कैंसिल कर देता हूं, ये 2 मैं हटा देता हूं, इट इज आर स्क्वायर वी एम स्क्वायर 5/3, राइट। और यहां पे πr² vm² राइट, तो ये कैंसल आउट हो जाएगी और हमारे पास 4/3 वैल्यू आ जाएगी, इट इज 1.33, राइट। फ्रेंड्स यहां पे मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतना टाइम लगा है, अगर आप इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना टाइम टेकिंग नहीं है, राइट। मुझे आपको हर चीज ब्रीफ में बतानी थी, एक बार आप चीजें समझ जाएं तो ये कैलकुलेट करना हार्डली 1.5 से 2 मिनट्स का खेल है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लीज नेवर फील कि ये बहुत टफ क्वेश्चन था या फिर लेंदी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी लेंदी क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ओके। तो ये 1.333 या फिर 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन में है क्या, यस इट इज 1.333, ओके। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा फॉर द लैमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप, राइट। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको यहाँ पे मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बताया है v² / dA, उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा जो डिफाइन होता है, इट इज v³/dA / v³³ × एरिया, राइट। ये सेम तरह से डराइव होगा, v की वैल्यू आप 1/4μ - ∆p/∆x, राइट, (r²-r²) ये लेंगे। जैसे मैंने अभी आपको डराइव किया, मेरे को इंटीग्रेशन में ये टर्म मैंने टी ले ली थी, फिर वो डीटी बनाया था, फिर वहां से इंटीग्रेट किया था 0 से r, सेम वैसे ही होगा, वी एवरेज की वैल्यू Vm/2 लेंगे आप, ठीक है, सर्कुलर फ्लो में, और इस चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इट इज नॉट वेरी टफ, आप यहाँ पे इट कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजी, इसलिए क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, राइट, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रिक्शन फैक्टर एफ इन ए लैमिनार पाइप फ्लो वॉज फाउंड टू बी 0.04, द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फ्लो वॉज, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो 0.04 है, तो रेनॉल्ड्स नंबर आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर की अगर मैं बात करूं, रेनॉल्ड्स नंबर कैसे निकाला जाता है, इट इज ρVd/μ, बट यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर से ये कैसे कोरिलेट हो रहा है, फ्रेंड्स हमें पता है इट इज 64/RE इन ए सर्कुलर पाइप, मैंने अभी ऊपर बताया था डार्सी वेबैक इक्वेशन और हेजन पॉइज़ली इक्वेशन को जब आप इक्वेट करते हैं तो एफ की वैल्यू 64/RE ही आती है, यहीं से आप चीज को यूज करना है, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू 64/F विच इज 0.04। फ्रेंड्स ध्यान रखिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस चीज के लिए एप्लीकेबल है, सर्कुलर पाइप के लिए और आपका लैमिनार फ्लो के लिए, तो यहां से जो रेनॉल्ड्स नंबर आप कैलकुलेट करेंगे इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2000, राइट। आप कैलकुलेट करके देखिए इट इज 6400/4 विच इज 1600, राइट। तो ये 2000 से बड़ा भी नहीं है, तो हमारा ये फॉर्मूला वी कैन अप्लाई, अगर ये 2000 से बड़ा आ जाता तो यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन शायद रॉन्ग हो जाता या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई होनी चाहिए, अगर आपको रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है तो, राइट, टर्बुलेंट फ्लो का केस बन जाता वो, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर 1600 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ए सर्कुलर ट्यूब ऑफ रेडियस आर, राइट, कैरिंग अ लैमिनार फ्लो द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको ऊपर सीधा ले लिया था वी एवरेज इज इक्वल टू वी मैक्सिमम बाय 2, इस चीज को मैं आपको डराइव करके बताता हूं कि ये कैसे आती है, ठीक है, हम लोग इस चीज को देखते हैं, बहुत ब्रीफ में देखेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कॉन्ड्यूट अगर मैं बोलूं, जो v की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इट इज माइनस डेल पी बाय डेल एक्स 1/4 μ, ओके, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये वेलोसिटी का वेरिएशन होता है पाइप में, ठीक है, ऐसे पैराबोलिकली वेरी करती है, ओके। यहाँ सेंटर से ये r की वैल्यू नोट की जाती है, तो ये वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ r, यहाँ पे ये मेजर्ड होती है, ओके। तो यहाँ पे हमें जो v मैक्सिमम हम देखते हैं वो r इक्वल टू जीरो पे मिलेगी, आप देख सकते हैं r की वैल्यू अगर कुछ रखेंगे तो वेलोसिटी घटती जाएगी, तो r इक्वल टू जीरो पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इज 1/4 μ r स्क्वायर, राइट। ये v मैक्सिमम को मैं vm से डिनोट कर रहा हूँ। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था v एवरेज अगर आपको निकालना है तो इट इज क्यू बाय ए, राइट। टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट आप देखेंगे उसको अगर आप टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलती है। तो आप वॉल्यूम फ्लो रेट निकालने के लिए फिर से आप इक्वेशन यूज करेंगे, क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल में वी डी ए, राइट। अगर मैं एक सर्कुलर पाइप का क्रॉस सेक्शन देखूं एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, राइट, अगर मैं एक डी ए एलिमेंट एज्यूम करूं, राइट, ये डी ए एलिमेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2πr dr, ये डी ए एलिमेंट में अगर मैं वी से मल्टीप्लाई करूं, वी का वेरिएशन कुछ ऐसा है, इस चीज को इंटीग्रेट करता हूं, यहां पे मैं इसको vm into 1 - r² / r² लिख सकता हूं, और dA की वैल्यू 2πr dr हो जाएगी, राइट, ये q की वैल्यू है, ओके। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है ये πr² होगा, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से r, राइट। तो यहां पे इस चीज को मैं vm बाहर ले लेता हूं, 2π बाहर ले लेता हूं, इस पूरी टर्म को अगर मैं t रखूंगा तो मेरा फ्रेंड्स देखिए यहां पे dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt की वैल्यू मेरी आएगी इट इज -2r/r², ठीक है, ये मेरे पास dt हो जाएगा। ये dt बनाने के लिए मैं यहां पे वैल्यू डाल देता हूं, इट इज, इसको मैं अगर t लिखता हूं तो -2r/r², राइट। तो -2r² से मैंने मल्टीप्लाई किया इस पूरी टर्म को, तो मैं यहां पे डिवाइड भी कर दूंगा -2r², ओके। तो ये मेरा फ्रेंड्स dt हो जाएगा dr के साथ मिलके, ये पूरी टर्म dt हो जाएगी, तो इसको मैंने dt लिख देता हूं यहां पे इरेज करके, ठीक है, t dt, बहुत इजी सी इक्वेशन हो गई। लिमिट 0 से r है, तो 0 से r की अगर मैं t की लिमिट मानू, जो तो मैंने t लिया था 1 - r² / r², तो r इक्वल टू 0 पे t 0 होगा, और r इक्वल टू कैपिटल r पे t इज इक्वल टू, सॉरी, r इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू 1 होगी ना, नॉट 0, इट इज 1, और r इक्वल टू कैपिटल r पे t की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। इसको यहां पे 0 से 1 हो जाएगी, अब लिमिट मेरी t dt, वेरी इजी, इसको यहां पे इसका इंटीग्रल आप करेंगे तो -2 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो vm 2πr² - 2, और यहां से एक -2 भी आ जाएगा, -2 यू कैन कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल आउट, तो vm πr² / 2। अब इस वैल्यू को यहां आप q की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, vm πr² / 2 into πr², ये πr² ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने यहां पे डाला है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज vm/2 vi, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी, इस vm को इधर ले आइए, तो v एवरेज बाय v मैक्सिमम यही पूछा हुआ है, इसकी वैल्यू 1/2 है, विच इज 0.5, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, विद इन 1.5 मिनट 2 मिनट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, अ लैमिनार मोशन बिटवीन टू वर्टिकल पैरेलल प्लेट्स अकर्स इन सच अ मैनर दैट द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज वर्टिकल। तो फ्रेंड्स हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन के बारे में हम समझते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन पी बाय गामा प्लस डेटम हेड की जो वैल्यू मिलती है उससे जो हम लाइन बनाते हैं उसको हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन ले बोलते हैं, इसको पीजोमेट्रिक हेड वाली लाइन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इस चीज की वैल्यू जो है वो वर्टिकली स्ट्रेट है, राइट, अगर ये कोई पैरेलल फ्लो है वर्टिकल, इसमें इस तरह से कोई पैरेलल फ्लो हो रहा है कि इसमें जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है वो वर्टिकल स्ट्रेट है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका मतलब क्या है, अगर हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन ऐसे स्ट्रेट जाएगी तो इसका मतलब ये, अगर मैंने ये डेटम वैल्यू ले ली, मैं यहां से अपनी एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे वैल्यू यहां पे है, तो एट एट जेड डेप्थ बिलो, z1 डेप्थ बिलो, राइट, HGL विल रिड्यूस बाय z1 अमाउंट। अगर z2 डेप्थ बिलो की बात करूं तो HGL विल रिड्यूस बाय z2 अमाउंट, राइट। तो अगर मैं डेल्टा एच की बात करूं इन दो पॉइंट्स में 1 और 2 में, तो आप देखिए डेल्टा एच क्या होगा,
डेल्टा एच इज फॉर हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन की जो मैं वैल्यू है या फिर एनर्जी की बात कर रहा हूं उसकी वैल्यू है, तो वो क्या होगा, इट इज जेड टू माइनस जेड वन, राइट। तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो डेल्टा जेड के बराबर है, मतलब डेटम हेड में जो भी चेंज हो रहा है वो वही चेंज जो है वो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन में। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहां से हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन की जनरल वैल्यू है इसको डेल्टा एच अगर आप करें तो इट इज डेल्टा पी बाय गामा प्लस डेल्टा जेड, और यहां पे जो हमारे पास ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है हमें पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जेड, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय गामा प्लस डेल्टा जेड, तो आप देखिए ये तो कैंसल आउट हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है डेल्टा पी बाय गामा इक्वल टू जीरो, विच मीन्स दैट डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो अलॉन्ग द फ्लो प्रेशर पूरे डेप्थ में कॉन्स्टेंट होगा जो हमारे पास निकल के आ रहा है, राइट। तभी जो है आपका हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन वो इक्वली अमाउंट से रिड्यूस होगा जिस अमाउंट से आपका डेटम रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, द प्रेशर इज सेम एट ऑल द सेक्शन, राइट। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें जो डी ऑप्शन है द फ्लो हैज स्टॉप्ड, तो फ्रेंड्स अगर फ्लो स्टॉप हो चुका होगा, राइट, तो यहां पे देखिए अगर मैं यहां पे एक बेस मान लूं ये फ्लो रुका हुआ है, तो अगर आप नीचे मूव करेंगे तो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि डेटम हेड तो कम हो रहा है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है विद द सेम अमाउंट, पी बाय गामा उसी अमाउंट से बढ़ जाएगा जिस अमाउंट से आपका जेड कम हो रहा है, राइट। क्योंकि आप प्रेशर देखेंगे एट ए डेप्थ जेड बिलो इट इज गामा जेड से ये बढ़ जाएगा, राइट, इट विल इंक्रीज, डेल्टा पी की वैल्यू गामा जेड से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा पी बाय गामा की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इट इज जेड, ओके। सो यहां पे आपका एच जी एल जो है वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, इट विल नॉट रिड्यूस वर्टिकली, ये कॉन्स्टेंट रहेगा अगर फ्लो स्टॉप हो चुका होगा, राइट। तो ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ वॉल शियर स्ट्रेस ऑफ 25 पास्कल एग्जिस्ट इन अ लैमिनार फ्लो इन 8 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप एट अ रेडियल डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस, द शियर स्ट्रेस इन पास्कल इज। बहुत ही प्यारा और कंसेप्चुअल सवाल है ये वाला अगर हम लोग देखें तो, ठीक है। यहां पे हमें बस सिंपल एक कंसेप्ट का यूज करना है कि शियर स्ट्रेस का वेरिएशन आपके पाइप्स में कैसा होता है, ठीक है। अगर पाइप्स की मैं बात करूं तो शियर स्ट्रेस का जो वेरिएशन है वो लीनियर होता है लैमिनार फ्लो में, ओके। तो बस इसी चीज का हमें यूज करना है, मैं फॉर्मूले या फिर क्रैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाऊंगा, मैं तो चीजों को समझूंगा पहले, ठीक है। और सीधा अगर मुझे समझ में आती तो मुझे ये पता है कि जो बाउंड्रीज है उसमें शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है और मिड डेप्थ में शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है, राइट। तो अगर मैं ये चीज जानता हूं तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए बाउंड्री पे ये 28 पास्कल गिवन है, ठीक है। यहां पे इस रेडियस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है क्योंकि डायमीटर 8 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, एट अ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस पे शियर स्ट्रेस क्या होगा। तो यहां से 3 सेंटीमीटर पे, ठीक है, ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगा, राइट, ये टॉ आपको निकालना है। तो सिंपली आपको ये लाइन की इक्वेशन आराम से मिल जाएगी। इसका ग्रेडियंट की अगर मैं बात करूं तो 28/4 इसका ग्रेडियंट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे आप देखिए ये एक्सिस पे इसकी वैल्यू जीरो है, तो मैं इसकी वैल्यू अगर निकालूं तो इट इज जीरो प्लस ये ग्रेडियंट है मल्टीप्लाइड बाय आपको 3 डिस्टेंस पे निकालना है तो इट इज 3, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, 7 7 3 20, राइट। तो ये स्मार्ट अप्रोच है, इजी अप्रोच है, अंडरस्टैंडिंग वाली अप्रोच है। हम क्रैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर फॉर्मूले रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाएंगे कि पहले मैं वी का फॉर्मूला लिखूंगा, इट इज 1/4 μ डेल पी बाय डेल एक्स, राइट, माइनस में इट इज r² - r², फिर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके टॉ का फॉर्मूला निकालूंगा, उसमें मैं रेडियस की वैल्यू निकाल के फिर r की वैल्यू इस r इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा फिर टॉ निकालूंगा, नहीं, वी विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ टफ और क्रैमिंग अप्रोच, वी विल गो फॉर दिस अप्रोच, दिस इज स्मार्ट अप्रोच, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ लिक्विड फ्लोइंग इन अ पाइप हैज अ हेड लॉस ऑफ 2 मीटर इन अ पाइप ऑफ अ लेंथ 10 मीटर, 10 मीटर में जो हेड लॉस है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है इट इज 2 मीटर, 2 मीटर का हेड लॉस इज अ ह्यूज हेड लॉस फॉर अ लेंथ ऑफ 10 मीटर, द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फ्लो इज 100, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 100 है, इसका मतलब आपको पता चल गया ये 2000 से कम है, मतलब लैमिनार फ्लो है, ठीक है। इफ द फ्लो रेट इज डबल्ड एंड द ऑल अदर फ्लूइड प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम द हेड लॉस इन मीटर इज, तो सिंपली आपको फ्लो रेट से हेड लॉस का कोरिलेशन पूछ दिया इस क्वेश्चन में, राइट, क्योंकि फ्लो रेट को वेरी करा रहा है और हमें हेड लॉस में चेंज पूछ रहा है, राइट। तो हमें हेड लॉस गिवन है 2 मीटर है,
ठीक है, मैं हेड लॉस और फ्लो रेट की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो HL की वैल्यू आप निकाल सकते हैं हेजन पॉइज़ली इक्वेशन से, उसकी वैल्यू होती है 32 म्यू वी एल बाय गामा डी स्क्वायर। ठीक है, ये हेड लॉस की वैल्यू होती है। अगर V की वैल्यू मैं Q के टर्म्स में लिखूं तो इट इज 32 म्यू क्यू एल बाय एरिया गामा पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। तो 32 इंटू 4 यहां पे आ जाएगा, इट इज 128 म्यू क्यू एल बाय गामा पाई डी 4। ठीक है, ये HL की वैल्यू हो गई, राइट। अब हमें यहां पे HL गिवन है, HL इज 2 मीटर फॉर सर्टेन Q। ठीक है, और हमें निकालना है HL जब Q डबल हो जाएगा तो, राइट। तो HL की वैल्यू आप सिंपली देखिए Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सारी वैल्यू यहां पे चेंज नहीं हो रही है। तो सीधा अगर मैं यहां पे इक्वेशन बोलूं HL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है, तो अगर आप Q को डबल करेंगे तो HL भी डबल हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि म्यू कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, डी कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, गामा कॉन्स्टेंट है। ओके, बाकी सारी कोई भी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं किया है, फ्लो रेट इज डबल एंड ऑल अदर फ्लूइड प्रॉपर्टीज रिमेन्स द सेम, द हेड लॉस इन मीटरेज। तो मुझे बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं, मेरा आंसर सीधा 4 आ जाएगा। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर अ लैमिनार फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज शोन इन फिगर। यहाँ पे फिगर मैं आपको बना देता हूँ। फिगर जो वेलोसिटी प्रोफाइल का है वो कुछ ऐसा वेरिएशन बोल रखा है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है, यूज मैक्सिमम एट मिड डेप्थ, ठीक है, और यहाँ पे यू की वैल्यू 0 है, और ये पैराबोलिक वेरिएशन है। यू का आपको वेरिएशन भी गिवन है, मैथमेटिकल जो इक्वेशन है 0.01 इंटू 1 माइनस 1000 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वाई यू जो है वो मीटर पर सेकेंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे गिवन है यू इज इन मीटर पर सेकेंड एंड वाई इज इन मीटर, ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकेंड में, और वाई का जो वेरिएशन है वो यहां से, ठीक है। तो अब यहां पे पूछ रहे थे शियर ऑन ईच प्लेट विल बी, तो हमें टॉ निकालना है म्यू डी यू बाय डी वाई, राइट। आपको पता है शियर स्ट्रेस जो है वो वेलोसिटी के ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, तो हमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू वाई इज इक्वल टू -1, इसकी इनकी जो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी गिवन है, इट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो -1/100 मीटर पे निकालना है और वाई इज इक्वल टू +1/100 मीटर पे निकालना, राइट। वैल्यू सेम आने वाली है क्योंकि सिमेट्रिक आप यहां पे देख सकते हैं फिगर है। तो मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूं आपका ऊपर वाली टर्म को, तो टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई अगर मैं लिखूं तो इट इज 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2y, राइट। ये कुछ टर्म आएगी, यहां माइनस लगा देता हूं, फर्क नहीं पड़ता हमें, तो टॉ के मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है, इज माइनस म्यू इंटू 10 इंटू 2y, राइट। तो आप वाई की वैल्यू रख दीजिए 1/100, राइट। अगर आप वाई की वैल्यू रखते हैं और म्यू की वैल्यू भी गिवन है, आप देख सकते हैं इट इज 10^-3 इन ऐसा यूनिट, 10^-3 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 1/100, ओके। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ जाएगी फ्रेंड्स वो आप देख सकते हैं, इट इज 2 × 10^-4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन अगर मैं देखूं तो फ्रेंड्स यहां पे हमारा जो ऑप्शन है ये एक्चुअली 10 यहाँ पे मिसिंग है, मिस प्रिंटिंग, इट इज 0.0002 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। सो ये वैल्यू हो जाएगी हमारा, सो और आंसर वुड बी बी, ओके। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ लैमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स द स्लोप ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन वॉज फाउंड टू बी 0.05 इफ द डिस्चार्ज रिमेन्स द सेम बट द विस्कोसिटी इंक्रीजेस बाय 50% द वैल्यू ऑफ द न्यू स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर इसकी मैं बात समझू तो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, इस चीज के हम लोग बारे में अगर बात करें तो फ्रेंड्स अगर मैं किसी भी दो पॉइंट में बर्नौलीज इक्वेशन लिखूं किसी भी पाइप फ्लो में, पाइप 0.1 एंड 0.2, आप देखिए इट इज P1/γ प्लस V1²/2g प्लस Z1 इज इक्वल P2/γ प्लस Z2 प्लस V2²/2g प्लस हेड लॉस, ये लिख सकता हूं मैं, राइट, एनर्जी इक्वेशन। अब आप देखिए वेलोसिटी सेम मानूंगा, फ्लो सेट है, वेलोसिटी सेम है दोनों क्रॉस सेक्शन में, तो मेरे पास जो डिफरेंस क्रिएट होता है किस चीज का, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन का जो स्लोप है, ओके। अगर मैं इसकी बात करूं P1/γ प्लस Z1, इसको मैं
एच वन वैल्यू देता हूं हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एट वन माइनस पी टू बाय गामा प्लस जेड टू, इसको मैं एच टू वैल्यू देता हूं, इट इज एच एल। ठीक है, तो इसका जो ग्रेडियंट है अगर इसको मैं डिवाइड बाय एल कर दूं, एच वन माइनस एच टू बाय एल इज इक्वल टू एच एल बाय एल। ठीक है, तो आपको एक्चुअली इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, एच एल बाय एल की वैल्यू गिवन है विच इज 0.05। ठीक है, तो अगर मैं एच एल बाय एल की वैल्यू अगर लिखूं, इट इज एच एल बाय एल इज इक्वल टू 0.05। तो मुझे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, इफ द डिस्चार्ज रिमेन्स सेम बट द विस्कोसिटी इंक्रीजेस बाय 50% द वैल्यू ऑफ द न्यू स्लोप ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, इसकी नई वैल्यू क्या हो जाएगी। राइट, तो आपको एच एल बाय एल का वेरिएशन देखना है विथ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कैसे वेरी करती है। राइट, तो मैं एच एल को मुझे पता है हिजन पॉइज़ली इक्वेशन से, इट इज 32 गामा वी एल बाय गामा डी स्क्वायर, ये म्यू है, सॉरी 32 म्यू वी एल। ओके, ये कैसे डिराइव होता है, इट इज वेरी इजी, इसको आप डिराइव कर सकते हैं। तो मुझे यहां पे एच एल की वैल्यू क्यू पे कैसे डिपेंड कर रही है, बस ये चेक करना है। राइट, तो अगर ये 32 म्यू क्यू की बात करूं बाय एल डिवाइड बाय गामा पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाती है, इट इज 128 म्यू क्यू एल बाय गामा पाई डी। तो अब ये देखिए, जो एच एल बाय एल की वैल्यू है मतलब स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, वो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राइट, या फिर विस्कोसिटी का वेरिएशन है यहां पे, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है बट द विस्कोसिटी इंक्रीजेस बाय 50% द वैल्यू ऑफ द न्यू स्लोप ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, इसकी वैल्यू इनिशियली मुझे गिवन है 0.05। अगर इसकी वैल्यू मैं 50% से बढ़ा देता हूं तो आपको ये वैल्यू 50% से बढ़ जाएगी, तो एच एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज 0.05, इंक्रीज करूंगा 50% से तो 1.5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। राइट, इट इज वेरी इजी, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी फ्रेंड्स, इट इज 7.5 डिवाइड बाय, इट इज 0.075, ये वैल्यू हो जाएगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओके, सो लार्जर बाय 50% ये ऑप्शन हो जाएगा, अगर आपको वैल्यू गिवन होती तो आंसर हो जाता 0.075। ओके, सो आंसर आपका डी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके कंसेप्ट्स अगर स्ट्रांग है तभी आप बना पाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अ फ्लूइड जिसकी रिलेटिव डेंसिटी आपको गिवन है 0.9, या फिर मैं इसकी अगर डेंसिटी की बात करूं तो इट इज 900 केजी पर मीटर क्यूब, ये आपको आता है। ओके, यहां पे म्यू की वैल्यू मैं बात करूं अगर, इट इज 1.2 पास्कल सेकंड, फ्लोज इन अ लैमिनार रिजिम बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, फिक्स्ड एट बी की वैल्यू, जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होगी उसकी वैल्यू आपको गिवन, इट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैं 0.03 मीटर लिख देता हूं, सारी चीजों को मैं ऐसा यूनिट में लिख रहा हूं। इफ द डिस्चार्ज इज 600 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर सेंटीमीटर ऑफ द प्लेट, इसकी जो यूनिट डेप्थ में ले रहा है इट इज पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, इट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 600 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.006 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। राइट, यहां तक तो बहुत आसान था। द शियर स्ट्रेस ऑन द बाउंड्री, अब यहां पे शियर स्ट्रेस पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स फिर से वही बात आएगी कि शियर स्ट्रेस जब आपको कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट पे, आपको सारी वैल्यूज दे रखी हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप वेलोसिटी कैलकुलेट करिए और वेलोसिटी से शियर स्ट्रेस का मेरे को रिलेशन पता है। राइट, तो आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लीजिए, आपको क्यू पता है, एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय बी इनटू वन अगर आप करेंगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में आपको शियर स्ट्रेस का कोरिलेशन पता है। ओके, सो वो मैं देखता हूं पैरेलल प्लेट्स में वो कैसे निकाला जाता है। अगर मैं टॉ की बात करूं तो इट इज म्यू डीवी बाय डीवाई, और वी को अगर मैं लिखूं तो v कैसे लिखा जाता है, इट इज 1/2 म्यू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स, राइट, इंटू बी वाई माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो इसको मैं वेलोसिटी मैक्सिमम के टर्म्स में लिखता हूं। राइट, तो अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी के टर्म्स में लिखूं, वेलोसिटी मैक्सिमम की वैल्यू में अगर निकालूं तो इट इज 1/2 म्यू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स, वाई इज इक्वल टू बी बाय टू पे मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन होगी, तो इट इज बी बाय 4, b square by 4, ठीक है, तो यहां पे इसकी वैल्यू आ जाती है, इट इज 1/8 म्यू, ये मैं आपको कंप्लीट डेरिवेशन बता इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए,
डेल पी बाय डेल एक्स बी स्क्वायर, ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो यहां पे आप देखिए, अगर मेरे को इस चीज को लिखना है राइट, तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं वी की वैल्यू की बात करूं, सो वी इज इक्वल टू इज फोर टाइम्स ऑफ वी मैक्स डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ये लिख सकता हूं मैं इस चीज को, इंटू बी वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं डी वी बाय डी वाई की बात करूं, तो इट इज फोर टाइम वी मैक्स बाय बी स्क्वायर इंटू बी माइनस टू वाई, ठीक है। अब मेरे को जो डी वी बाय डी वाई चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो टॉर्क इक्वेशन थी म्यू डी वी बाय डी वाई, वो वाई इक्वल टू जीरो पे चाहिए, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू जीरो कर देता हूँ, इट इज फोर टाइम्स वी मैक्स बाय बी स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इट इज फोर टाइम्स वी एम बाय बी, ये डी वी बाय डी वाई की वैल्यू आ गई एट वाई इक्वल टू जीरो। अब यहां पे आप रख दीजिए इस चीज को, तो आपके पास जो टॉ निकल के आता है वो कितना हो जाएगा, म्यू इंटू फोर इंटू वी एम बाय बी, ये आपके पास टॉ निकल के आ जाएगा राइट। इस चीज का यूज करना है आपको, यहां से क्यू से आपको वी एम, वी एम नहीं मिलेगा आपको, वी एवरेज मिलेगा, मैंने यहां पे वी एम रखा है। तो फ्रेंड्स आपको ये बात पता होगी, इस चीज के डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, जब आप वी एवरेज निकालेंगे इस चीज में, तो आप वी डी ए बाय टोटल एरिया से अगर जब आप वी एवरेज निकालते हैं, तो वी एवरेज आपका आ जाता है टू बाय थ्री ऑफ वी मैक्सिमम। प्लेट फ्लो में ये बात हमेशा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को अगर आप याद कर लें तो बहुत बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। वी एवरेज प्लेट फ्लो में टू बाय थ्री ऑफ वी मैक्सिमम होता है, और पाइप फ्लो में वी एवरेज इट इज वी मैक्स बाय टू होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो यहां पे मैं इस वी मैक्स को वी एवरेज से रिप्लेस करूं, तो मैं वी मैक्स को थ्री बाय टू ऑफ वी एवरेज लिख सकता हूं, तो फोर म्यू इंटू थ्री बाय टू ऑफ वी एवरेज बाय बी राइट, ये इट इज टू जा कट जाएगा, यहां पे सिक्स हो जाएगा, सिक्स म्यू वी बाय बी। बस अब आपको ये वैल्यू रखनी है यहां पे, ओके, यहां पे आप वैल्यू रख दीजिए। अब क्यू पता है, तो वी निकालने के लिए आप क्यू बाय बी करेंगे, तो इस सीधा वी को मैं क्यू बाय बी लिख देता हूं, सिक्स म्यू क्यू बाय बी स्क्वायर। अब यहां पे सिक्स म्यू क्यू बाय बी स्क्वायर रखिए आप, टॉ इज इक्वल टू सिक्स म्यू क्यू बाय बी स्क्वायर, तो आप सिक्स इंटू म्यू की वैल्यू गिवन है, इट इज 1.2, क्यू की वैल्यू गिवन है, मैंने यहां पे कैलकुलेट किया है आप लोगों के लिए 0.006 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। एक मिस्टेक और हुई है, आप यहां पे क्यू कैलकुलेशन में आप देखेंगे, इट इज मैंने 0.006 लिख दिया है, यहां पे जो वैल्यू आएगी इट इज 6 × 10⁻²² आएगी, विच इज 0.06, ठीक है। तो यहां पे 0.06 होगा, अगर मैं इस चीज को हटा दूं यहां पे, इट इज 0.06, ओके। तो ये सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक है, कोई खास बात नहीं, बाकी सब चीजें वही रहेंगी, कंसेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से राइट। ये स्मॉल एरर्स हैं, लेकिन आप एग्जाम में ये टाइप की एरर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ध्यान रखिए आपकी कैलकुलेशन इस टाइप की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये 0.06 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर आएगा, ओके। तो यहाँ पे आप जब कट करेंगे तो इट इज टू टाइम्स, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी इट इज 12 × 1.2 डिवाइड बाय 0.03, ओके। सो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 480 पास्कल, तो आंसर आपका सी हो जाएगा राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये डेराइव करके बताया, पर ये आप डेराइव नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में, आप ये टॉ का फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए कि बाउंड्रीज पे टॉ का फॉर्मूला फॉर प्लेट्स कितना होता है, इट्स 6 μ³/b² राइट। क्योंकि आप उस चीज में क्या बोलते हैं, पाइप्स में तो ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं राइट, क्योंकि हमें ये पता है इट इज डेल पी बाय डेल एक्स आर बाय टू, ये टॉ होता है, और डेल पी बाय डेल एक्स में मैं इक्वेशन से निकाल सकता हूँ अपनी वेलोसिटी वाली 1/4 μ माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू से मैं यहाँ पे वेलोसिटी की इक्वेशन से वी एवरेज सब्सिट्यूट करके ये सब्सिट्यूट कर सकता हूँ, बट पाइप फ्लो में आपको ये डराइव करने की जरूरत पड़ जाएगी, तो इट्स बेटर यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर टॉ फॉर बोथ द केसेस इन प्लेट फ्लो और इन पाइप फ्लो राइट। ये फॉर्मूला आप रिमेंबर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपका टाइम बच जाएगा, ओके। सो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ दिस सेशन, हमारा ये जो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था लैमिनार फ्लो का, वो हमने कवर किया है।